अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हो? ठीक ठाक। मैंने रात को भी आपकी वॉइस मैसेज सुने, दिन में भी सुने, बार बार सुने, अच्छी तरह समझने की कोशिश की और मैं समझ भी गया हूँ। और दिल से मैं नहीं चाहता, सच्ची में बोल रहा हूँ, दिल से नहीं चाहता कि किसी बंदे ने कोई गलती की हो और फिर सारी ज़िंदगी उसी गलती के सजा भुगतता रहे। ठीक है, ऐसी एक गलती मुझसे भी हुई है, इसकी वजह से मुझे एहसास है इस चीज़ का कि अगर कोई बंदा गलती कर लेता है तो सारी ज़िंदगी उसी गलती में ना गुजार दे। ठीक है, मूव ऑन करे। ठीक है, अगर आप, लेकिन एक चीज़ है कि आप उस मिस्टेक को मतलब अपने ऊपर नहीं ले रहे हो। आप देखो हमजा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये एक सच्चाई है कि गलती आपकी तरफ से हुई है। आपने उन लोगों को किडनैप किया, आपने उन लोगों पर तशद्दुद किया। ठीक है, अब बदले में उन्होंने झूठा केस किया आपके ऊपर, तो उनका राइट बनता था। सही है, वो सच्चा केस भी करते तब भी आप लपेटे जाते, वो झूठा केस किया उन्होंने तब भी आप लपेटे गए हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अगर सच्चा सच बोल के केस करते आपके ऊपर तो आप बच सकते थे, नहीं, बल्कि आप और ज़्यादा फंस सकते थे। ठीक है, एक किडनैप का मसला और दूसरा तशद्दुद का मसला, उसमें जान भी जा सकती थी बंदे की। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती थी, आपके पास गन भी थी, ज़ाहिर है इससे भी परेशानी हो सकती थी उसको। तो अभी भी आप इस चीज़ को छोड़ के नहीं आ रहे हो। ठीक है, आप बोल रहे हो मैं उनके साथ सेटलमेंट करना चाह रहा हूँ, उन पर प्रेशराइज करना चाह रहा हूँ और यहाँ दुबई में आके उनके साथ मीटिंग करूँगा। भाई वो लोग, आप एक मान लो इस चीज़ को कि वो लोग हाई लेवल पे हैं, शरीफ हैं, डरपोक हैं, जैसा भी हैं। ठीक है, आपका उनके साथ कोई टाकरा नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि अगर जब आप उनके पास जॉब करते थे तब वो आपको ज़हनी तशद्दुद करते थे या ज़हनी तौर पे परेशान करते थे, तो भाई जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी नौकरी करोगे वहाँ पे यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, नौकरी का मतलब क्या है? नौकर होना है, और नौकर को कोई सर पे नहीं बिठाता। ठीक है, जितना बड़ा भी अफसर हो, अगर वो जॉब कर रहा है तो वो नौकर ही है, कोई ना कोई उसके ऊपर हैज मौजूद जो उसकी बेइज्जती करता है या उसको ज़हनी तौर पर तशद्दुद करता है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े ग्रेड के ऑफिसर लोग खुदकुशी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कोई ना कोई है ना प्रॉब्लम। तो लाइफ परफेक्ट कभी भी नहीं होती, हर चीज़ के ऊपर एक चीज़ होती है, हर बंदे के ऊपर एक बंदा मौजूद होता है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल लाइफ परफेक्ट हो और कोई आपको परेशानी ना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ के दुबई के शेख भी ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, उनके ऊपर भी कई प्रेशराइज होंगे, हमारे पॉलिटिशियन भी सेफ नहीं है, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है जो उनको ज़हनी अज़ियत देता रहता है, ज़हनी टॉर्चर देता रहता है। तो अब आप आ रहे हो तो इस चीज़ को मूव ऑन करो, अपने जो भी गलती हुई आपसे या उन्होंने आपके साथ ज्यादती की उस चीज़ को छोड़ के आप आओ। ठीक है, पीछे से कोई लिंक मत रखो, समझ आई? ये आगे जाके आपको फ़ायदा देगी, अगर आप इस चीज़ को साथ लेकर चलोगे तो फिर परेशानी होगी। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो फिर इस चीज़ को लीव करो, सब कुछ छोड़ के नया स्टार्ट लो, नए तरीके से लाइफ शुरू करो, उस चीज़ को भूल जाओ आप ना। आप बदला ले सकते हो, ना लेने का आपको राइट है। ठीक है, छोड़ दो उनको और मूव ऑन करो।